प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास थ्री हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। आप सभी जान रहे हो कि अप्रैल के लास्ट सप्ताह में आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर के आए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, अपने स्कोर को चेक कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के आपको चार विकल्प दिए जाएंगे, ए बी सी डी। आपको जो विकल्प सही लगता है आपको उसमें यहाँ पे टिक लगा लेना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई? आपके विकल्प हैं ए गाय, बी बैल, सी भैंस, डी घोड़ा। बताइए क्या होगा, रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ा हो जाता है, गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? तो रेलगाड़ी के आगे भैंस खड़ी हो जाती है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या दो पूछा गया है, कौन कहता रुक रुक रुक? ए रेलगाड़ी, बी लंबू, सी भैंस, डी बिल्ली। तो बताइए कौन कहता है रुक रुक रुक? आप लोगों ने कविता पढ़ा होगा, गाड़ी करती छुक छुक छुक, लंबू कहता रुक रुक रुक। तो यहाँ पे लंबू कहता है, विकल्प बी सही है, लंबू कहता है रुक रुक रुक। ठीक है, तीसरा प्रश्न करते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, बिना टिकट के कौन पकड़ा गया? बताइए कौन बिना टिकट के पकड़ा जाता है, ए लंबू, बी श्याम, सी मोहन, डी अमित। बताइए, तो यहाँ पे बिना टिकट की सवारी लंबू कर रहा होता है। कहते हैं ना, वहाँ पे कविता लिखा गया है कि बिना टिकट के पकड़ा गया और फिर मजा आ गया। ठीक है, आगे जाकर पकड़ा गया, बिना टिकट का मजा आ गया, ऐसे करके कविता है। प्रश्न संख्या चार पूछा गया है, श्यामू को क्या खाने की इच्छा हुई? ए नारियल, बी केला, सी सेब, डी अंगूर। बताइए क्या खाने की इच्छा होती है, उसे नारियल खाने की इच्छा होती है। ठीक है, आप लोगों ने पाठ तो कंजूस में यह पढ़ा होगा कि श्यामू को नारियल खाने की इच्छा होती है। वह दुकान में जाता है तो बोलता है कि यदि उसको एक का दो नारियल मिलता है तो बोलता है एक का चार दे दो, ऐसे करके वह बार बार नारियल के दाम में मोल भाव करता है और अंत में वह पेड़ से नारियल तोड़ता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, श्यामू को नारियल कहाँ से मिले? ए पहले दुकानदार से, बी दूसरे दुकानदार से, सी तीसरे दुकानदार से, डी पेड़ से। बताइए क्या होगा, वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने पेड़ से कहा आप सभी का उत्तर सही है। आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हो, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो। प्रश्न संख्या छठा पूछा गया है बच्चा, लड़का पानी में गिरे सिक्का किसे लाने को कहता है? आपने पढ़ा होगा कविता, गिरा रुपया गहरे पानी, वो मेरी मछली ढूंढ जरा। तो किससे कहता है, ए मछली से, बी कछुए से, सी सांप से, डी काका से। तो वो मछली से कहता है, विकल्प ए बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, पानी में गिरा रुपया यदि बच्चे को ना मिले तो क्या होगा? ए वह रोने लगेगा, बी वह घर चला जाएगा, सी वह जुम्मन काका को बुलाएगा, डी वह निराश हो जाएगा। बताइए क्या होगा, तो बच्चा वो क्या बोलता है कि जुम्मन चाचा को झटपट बुला कर लाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी सही है, वह जुम्मन चाचा को बुलाएगा, ना तो वह रोने लगेगा, ना ही वह घर चला जाएगा और ना ही वह निराश होगा, वह जाकर के जुम्मन चाचा को बुला लेगा। आठवां प्रश्न पूछा गया है, बकरी का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन मतलब बच्चा जो एक से अधिक शब्दों को बताता है, एक से अधिक संख्या को बताता है। तो बकरी का बहुवचन क्या होगा, विकल्प है बकरियां, बी बकरे, सी बकरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बहुवचन होगा बकरियां। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि इसका, जैसे बकरियां लिखा हुआ है ना, बकरी, तो बकरी का क्या होगा, बकरियां। यदि इसका, ये तो हो गया स्त्रीलिंग रूप, इसका यदि पुल्लिंग पूछा जाए तो इसका पुल्लिंग रूप होगा बकरा। क्या होगा बच्चा, बकरा होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग होता है और एक वचन बहुवचन अलग होता है। नौवां प्रश्न पूछा गया है, लड़की का बहुवचन रूप क्या होगा? ए लड़कियां, बी लड़के, सी लड़का, डी लड़कियों। तो लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां होगा। यहाँ पे लड़का जो है वो पुल्लिंग रूप होगा। यदि पूछे कि लड़की का पुल्लिंग क्या होगा तो वो लड़का होगा, और लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां। गोपी क्या करता था,
सॉरी गोपी क्या बेचा करता था? ए टोपी, बी लड्डू, सी खिलौना, डी सब्जी। बताइए गोपी क्या बेचता था? आप लोगों की कहानी याद है? वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हो। टोपी, टोपी बेचा करता था। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को 10 में से कितने स्कोर रहा बच्चा। इसी प्रकार हम लोग थोड़े थोड़े प्रश्नों को कर करके अपने सारी तैयारी को कर लेंगे। तो जितने ही बच्चों को 10 में से 10 आया, आप लोगों की तैयारी जबरदस्त वाली है बच्चा। डेली आप लोगों को जुड़ना है 9 बजे, और 9 बजे हम शानदार से हिंदी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।